Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing indefinite integration, and this is video lecture number 24. I hope you have already watched part 1 to part 23 before watching part 24. So let us discuss some more difficult questions that usually ask in competitive examination and also very useful for concept building. So first question I am going to take on today, that is question is like under root cos 2x upon sin x, under root cos 2x, under root with cos 2x only, right? Integration of this dx. ये क्वेश्चन बहुत आसान तो नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है. कैसे करेंगे आप, करके देखोगे पहले? चलो करके देखो. अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर हम बता देंगे. ओके, देखते हैं कैसे होगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो देखिए. पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कॉस एक्स को, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला आपको पता है कि लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है. अगर इस साइन को भी रूट के अंदर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी आप इसे साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं. अब इसको मैं लिख दूं कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, अलग अलग करूं तो कॉट स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 into dx. अब क्या होगा तो कॉटेक्स को फिर अब हम एक नया सिचुएशन में डाल देते हैं. कॉटेक्स को कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रिमेम्बर हमने बात करी है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जब भी हो इस फॉर्म का हो तो हमें एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा या कोसेक थीटा पुट करना चाहिए. तो यहां हम पुट कर देते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम ये पुट कर देते हैं अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का कि पुट कॉट एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा. सो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा. ठीक है, तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गए. इस कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डीएक्स. और ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा. कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब कॉट एक्स के बदले क्या लिख देंगे, यहां हमने पुट किया है कोसेक थीटा, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा. क्योंकि कॉट थीटा कोसेक थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा. डीएक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. मतलब ये हुआ कि 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. डीएक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया. अब इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. डीएक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली डीएक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं. मैं ये समझाने के लिए इतने सारे स्टेप लिखा हूं, इतना की जरूरत है नहीं हो, हकीकत में आप सीधे सीधे लिख सकते थे. तो डीएक्स के बदले हमें लिखना है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो अब इंटीग्रेंड हमारा क्या रह जाएगा बताइए. इंटीग्रेंड हमारा ये था पहले कि अंडर रूट कोस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx था. अब यहाँ पे कॉट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा. कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट के बदले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और dx के बदले लिख रहे हैं
थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख रहे हैं। ऐसा करने से ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा, कॉट स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आके कॉस कॉट थीटा हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, उसको भी लिख सकते हैं। और यहां से मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान से देखिए, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये कॉट स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आके कॉट थीटा में, और उस कॉट थीटा को हमने कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया है। समझ में आ रही बात? ओके, तो अब ये क्या होगा? अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज आ रहा है। देखिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे में एक साइन थीटा बच गया, ठीक है, और एक क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। क्या है, अब यहां पे अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, क्योंकि कॉस स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, वो तो कॉस क्यू का होगा, और कॉस क्यू तो कहीं है नहीं, तो हमें ये देखना है कि किसका इंटीग्रेशन है। यहां पे अगर साइन से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम साइन थीटा को, साइन थीटा डी थीटा है, इसका मतलब कॉस थीटा को टी पुट करना होगा, तो इसका मतलब कॉस थीटा को टी पुट करेंगे तो साइन थीटा डीटी हो जाएगा, और बाकी सारे फंक्शन को हम कॉस में रहने देते हैं, साइन थीटा डी थीटा, इसको कॉस में बदल देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, एक 1 पहले से है तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें पुट करना चाहिए कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, तो इससे क्या मिल जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। सो फाइनली क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा के बदले आप लिख सकते हैं माइनस डी टी, माइनस डी टी, साइन थीटा डी थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। और अब यह हो जाएगा इसके बदले टी, इसके बदले टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेंट जो होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 2 माइनस टी स्क्वायर, है ना, और डीएक्स के बदले माइनस डी टी, साइन थीटा डी थीटा के बदले माइनस डी टी, यानी ये हो गया माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 2 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अभी भी कुछ लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहेंगे, लेकिन मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका दिया है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या खोया क्या पाया, और उस तरीके के हिसाब से आप लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस ये 1 अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा अगर लिखूं तो क्या मिलेगा, देखिए क्या खोया क्या पाया, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 2 से कैंसिल करना है ना, ऊपर कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे 2 माइनस टी स्क्वायर, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल। अभी देखते हैं क्या मिलेगा, 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से मिल जाएगा प्लस 2 टी स्क्वायर, तो 2 टी स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा माइनस, यानी ये चीज पहले होना चाहिए और ये चीज बाद में होना चाहिए, तो हम इसको लिख देते हैं 2 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 अपॉन यहां पे 1, अब ये होगा 2 माइनस 2 टी स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस 2 टी स्क्वायर यहां से, और प्लस टी स्क्वायर यहां से रह जाएगा माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे दिखा देता हूँ, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 2 टी स्क्वायर,
और यहां से ये मिलेगा माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर, यानी 2 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, माइनस टी स्क्वायर हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए माइनस टी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये 2 बाहर आ गया, डी टी अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर माइनस अगेन डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। दोनों जगह एक ही फॉर्मूला लगना है, इसलिए अब दोनों की फॉर्मूला लगा के और वैल्यू को लिख सकते हैं। तो अब ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स, यानी रूट 2 प्लस टी अपॉन रूट 2 माइनस टी, ये आ गया, माइनस यहाँ पे भी 1 बाई 2 लॉग 1 माइनस ए स्क्वायर ए प्लस एक्स, यानी ए 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी आंसर आएगा। लेकिन टी में आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि टी क्या है, बेसिकली टी जो है वो क्या है, ध्यान से देखिए, टी हमने पुट किया है किसको, कॉस एक्स को और कॉस थीटा को। तो टी क्या है, अब यहां देखिए टी क्या है, सिंस टी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो और कॉस थीटा क्या है, थीटा में है भी नहीं, थीटा तो एक्स में है, हमारा आंसर तो एक्स में आना चाहिए ना, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया। तो किसमें पुट करना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन स्क्वायर थीटा हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है। ध्यान से देखिए, ये हमने जो पुट किया था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो किया था, कॉट स्क्वायर एक्स के बदले ये सब्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉटेक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल के कॉटेक्स में रखना होगा। तो कोसेक थीटा कितना होगा, साइन थीटा अगर स्क्वायर थीटा इतना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर हमें टी की वैल्यू रखनी है, सो इट विल बी बेटर दैट 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और टी स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे, 1 माइनस 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारा काम इतना ना करके, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, हम सीधे यहाँ लिख दें कि ये टी स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे यहीं से लिख देता हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, सो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा रह गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा रह गया, और कोसेक थीटा क्या था, कॉट एक्स, तो इसलिए हो गया ये कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स। टी स्क्वायर का मतलब इतना हो गया, यानी टी का मतलब हो गया अंडर रूट कोसेक कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स। तो जहां जहां टी था वहां वहां ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो ऊपर के आंसर में टी की वैल्यू हो गई कितनी, वेयर टी इज इक्वल टू, वेयर टी इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स, ये रख देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी आप उसका आंसर तो लिख ही सकते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या है, कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेते हैं। ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन भी थोड़े से ट्रिकी है, आप देखें इसको कैसे करेंगे। अगर मैं एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर लूं तो क्या होगा, ये देखिए जरा आइडिया मिलेगा आपको। एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा एक्स एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन और कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, एक्स कॉस एक्स डी एक्स होता तो डी टी कर सकते थे, लेकिन ऊपर में तो एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आइडिया निकल के आया कि अगर मैं कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ये ध्यान से देखिए एक्स एक्स कॉस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ डिवाइड भी कर दूं और ये नीचे सारा चीज, चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया जाए तो क्या होगा, जरा देखिए ये डी टी हो जाएगा पूरा का पूरा चीज और ये टी स्क्वायर, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t। तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, और लेकिन ये अकेले तो है नहीं, इसके साथ ये भी है, तो ये इसको ये इंटीग्रेस दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, ये इंटीग्रेट आसानी से हो सकता है, ये डिफरेंशिएट आसानी से फिर हो सकता है। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों ना कर ले, यानी इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन किसी को करना हो तो क्या आएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो हम डायरेक्ट लिखने के लिए एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अगर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा करने से ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर मतलब -1/t मतलब -1/xsinx+cosx लिख सकते हैं सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी गेट क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट करोगे तो क्या तरीका होता है, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/xsinx+cosx ये होता है ना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos x, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x होता है sin x, क्यों, क्योंकि cos x एज इट इज ये क्वोशेंट रूल लगा है, cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज माइनस होता है माइनस x एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इसलिए प्लस लिख दिया है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी -1/xsinx+cosx, ठीक है ये होगा इनटू dx। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये चीज ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, प्रोडक्ट ही तो है, तो मिल जाएगा ये i इज इक्वल टू -x/cosx इनटू x/sinx+cosx है ना, माइनस यहां से मिलेगा ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, क्या मिला है ये पूरा का पूरा टर्म कट गया, सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स बचा है जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो सबको पता है क्या होता है, -x/cosx x/sinx+cosx और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कॉस है ठीक है प्लस सी, तो क्या आएगा, अब हमने लिया इसका एलसीएम तो एलसीएम आ जाएगा कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर में रह जाएगा सिर्फ एक्स और इससे डिवाइड करोगे तो कॉस कट जाएगा, ये पूरा चीज बटेगा बचेगा जो साइन एक्स में मल्टीप्लाई होगा यानी एक्स साइन स्क्वायर एक्स
प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है ना प्लस सी, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हुआ। ऊपर से कॉस एक्स कॉमन ले लूं अगर तो क्या मिल जाएगा, यहां से साइन एक्स, यहां से मिल जाएगा क्या मिलेगा, कॉस एक्स कॉमन लूंगा तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कॉस से कॉस कट गया और ये आंसर आ गया फाइनली हमारा, क्या आंसर आया, ये आंसर आ गया हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आया। मतलब ये कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आप इसका इसको याद रख सकते हो, कैसे मैं ट्रिक बताता हूँ। इस क्वेश्चन का वाय इतना लंबा कंपटीशन में लिखने लग जाए तो फिर हो गया, और इतना लंबा सॉल्यूशन करने लग जाए तो हो गया। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के कुछ टाइप हैं, उनको आप याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, ये देखिए क्या करना है, नीचे वाले को एज इट इज लिखना है जो ब्रैकेट में, और फिर एक्स को एज इट इज रखते हुए, एक्स को एज इट इज रख दिया यहाँ पे, नीचे वाले का ऊपर इंटीग्रेशन कर देना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, आंसर आ जाएगा। ऐसा कितने क्वेश्चन में हो सकता है, ऐसा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में हो सकते हैं, एक साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स हो का होल स्क्वायर, या क्वेश्चन ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन नीचे एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तब भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप आंसर लिख सकते हैं, नीचे वाले को स्क्वायर नहीं लिखना है, ध्यान रहे स्क्वायर नहीं लिखना है, एक्स को एज इट इज लिखना है, और बाकी जो टर्म्स हैं उनके इंटीग्रेशन ऊपर में लिख देना है, आंसर आपका आ जाएगा विद इन सेकेंड, आपको इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है लाइक, देखिए ये क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स, इसको कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू, कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू, यानी कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहां एक्स के जगह पे रूट एक्स है, सो व्हाट टू डू, कैसे करेंगे, इसको लिख दीजिए आई इज इक्वल, ऊपर में लिख दिया साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको लिख दिया पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और नीचे वाले को चूंकि प्लस में है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, इसलिए इसको पाई बाई टू लिख दिया। पाई बाई टू बाहर आके 2 बाई पाई हो गया ऊपर आके, और ये हो गया ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई टू डी एक्स, इससे ये हो जाएगा 2 बाई पाई 2 इंटू 2 4 बाई पाई, 4 बाई पाई आ जाएगा, 4 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, और ये 2 बाई पाई इस पाई बाई टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 डी एक्स। यानी अब इस क्वेश्चन को आगे करना है हमें, तो हम लिख दें 4 बाई पाई
इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसको कैसे करोगे, तो इंटू वन करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ इन वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स तो क्या होगा, सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स सिर्फ पहले वाले में लगाना है, दूसरा पार्ट तो हो चुका है, तो ये हो जाएगा 4 बाई पाई, ब्रैकेट एक ब्रैकेट दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज एक्स, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और वन का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, डीएक्स, ये हो गया माइनस एक्स, तो क्या होगा। अब आगे देखें, ये रूट एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहां मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 4 बाई पाई साइन इन एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, माइनस ये रूट से एक्स रूट टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स डीएक्स माइनस एक्स। यहां इसको अब करना थोड़ा टेढ़ी खीर है, कैसे, इसको फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर लिया रूट से बाहर निकालने के लिए, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस डीएक्स इज इक्वल टू 2t dt, यानी एक्स इज इक्वल टू डीएक्स इज इक्वल टू माइनस 2t dt। चलिए करके देखते हैं क्या आएगा, और यहां पे ये पूरे का ब्रैकेट है ना, क्योंकि 4 बाई पाई सब में मल्टीप्लाई है, तो ये टर्म्स आ गए हमारे पास कुल मिला के 4 बाई पाई एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, माइनस ये वाला माइनस एक्स, माइनस ये 4 बाई पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स के बदले क्या आ जाएगा, रूट एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहां से आप एक्स के बदले 1 माइनस t² लिख सकते हैं, तो रूट एक्स के बदले अंडर रूट 1 माइनस t² लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस t², नीचे आ गया टी, टी स्क्वायर पुट किया तो टी, और 2x के बदले -2t dt, तो ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपके पास ये माइनस बच गया है और 2 बच गया है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी 4 बाई पाई एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 4 2 8 पाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस t² dt, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो व्हाट टू डू, ये अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 बाई पाई एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स 8 बाई पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है याद है आपको, एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस t² प्लस ए स्क्वायर बाई टू, अगर ये नीचे होता तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता, दैट इज साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी क्या है, टी है हमारा अंडर रूट, टी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो अब यहाँ पे रख दिया हमने वैल्यू, आ गया 4 बाई पाई एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 8 बाई पाई, और ये आ गया टी के बदले अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई टू, और 1 माइनस t² क्या है, यहां से देखिए 1 माइनस t² नथिंग एल्स बट एक्स है, तो अंडर रूट 1 माइनस t² का मतलब अंडर रूट एक्स, ठीक है, और प्लस 1/2 साइन इनवर्स अंडर रूट, टी का मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, टी का मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स, सो दैट विल कम राइट, ये होगा और प्लस सी, ये आंसर आ गया आपका पूरा का पूरा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तरीका होता है। तो उम्मीद है कि ये लंबे लंबे जो क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने जो बताया है, ये आपको थोड़े से राहत देंगे,
और आप इन सब क्वेश्चंस को करेंगे जब एक दो बार, तो आपका ब्रॉड आइडिया डेवलप होगा, थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, इंटीग्रेशन में किन किन हथकंडों को इस्तेमाल करना पड़ता है ये डेवलप होगा, और आप भली भांति क्वेश्चंस को सीख पाएंगे। इस बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने से आइडिया यही मिलता है कि इंटीग्रेशन में हम क्या क्या सोच सकते हैं, और थॉट प्रोसेस डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो आप तरह तरह के क्वेश्चंस में किस किस तरह से हम सोच सकते हैं, कैसे उनको कर सकते हैं, ये समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चन करवाए जाते हैं और करवाए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब दिक्कत होगी तो आप जरूर लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। थैंक यू।